सोनी सुपर कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ ऐसी स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी जो मार्केट वाली महंगी मिठाई को भी फेल करेगी। ना कोई मावा ना कोई चाशनी, बिना गैस जलाए बनाएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में आने वाले फेस्टिवल पे बना सकते हैं। ये मिठाई इस तरीके से आपने न कभी बनाई होगी ना खाई होगी। वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिना किसी झंझट के बनाएंगे पीनट रोल। मैंने एक कप भर के पीनट लिया है, ये एक मिक्सी के जार में डालेंगे। मैंने पहले से भुना हुआ लिया, आपके पास कच्चा हो तो अच्छे से रोस्ट करके छिलका हटा के लें। मिक्सी को रोक रोक के चलाएंगे, एक साथ मिक्सी को चलाएंगे तो मूंगफली ऑयल छोड़ जाएगी। ऐसे फाइन सा पाउडर बना के तैयार करेंगे, एक बोल में डालेंगे। आप पहले से मूंगफली को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख के पीस सकते हैं। अगर आपको परेशानी आए पीसने में तो आप मिल्क पाउडर के 2 से 4 चम्मच डाल के पीसें, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त बनेगी। ऐसे फाइन सा पाउडर बन के तैयार होगा, बिल्कुल भी ऑयल नहीं छूटेगा। दोबारा हम वही मिक्सी का जार लेंगे, हम अपनी मिठाई को बिल्कुल कम मीठे में बनाएंगे। मैंने आधा कप चीनी कर लिया है, मिक्सी के जार में डालेंगे। एक कप मैंने मूंगफली कर लिया है, आधा कप चीनी कर लिया है। मीठा आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 10 मैंने काजू लिए हैं, ये भी डालेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 2 हरी इलायची डालेंगे अच्छे खुशबू और फ्लेवर के लिए। 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे, मैं सिर्फ 2 चम्मच डालूंगी, आप अपनी पसंद से कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप नारियल का बुरादा ना डालना चाहें तो आप काजू बादाम ज़्यादा ले सकते हैं। बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना के तैयार करेंगे। आप देख सकते हो मैंने चीनी का अच्छे से फाइन पाउडर बना के लिया है। आपकी चीनी में क्रिस्टल रह जाए तो आप छान के ले सकते हैं। ये भी हम मूंगफली के पाउडर में डालेंगे, साथ ही हम डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, ना कोई मावा ना कोई चाशनी, बिना किसी झंझट से कुछ ही मिनटों में बनाएं ये स्वादिष्ट मिठाई। जो भी खाएगा यही पूछेगा कैसे बनाई। अच्छे से मिक्स करके साथ ही हम मलाई डालेंगे। मैंने दूध से निकाल के ताजी मलाई ली है, आप 1 से 2 दिन की ले सकते हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं लेंगे तो स्मेल आएगी तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। 3 चम्मच मलाई के डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके पास मलाई नहीं है तो आप दूध ले सकते हैं, बिल्कुल ठंडा डालेंगे। गर्म दूध डाल देंगे तो मीठा पानी छोड़ जाएगा तो अच्छी नहीं बनेगी। अच्छे से मिक्स करते 1-1 चम्मच करके डालेंगे, एक साथ नहीं ज़्यादा डालेंगे। मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाया, सख्त सडो लगा के तैयार करें, बिल्कुल भी ज़्यादा लिक्विडी नहीं करेंगे। 3 से 4 चम्मच लगते हैं मलाई के तो अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। आप देख सकते हो जैसा हमारा मावा होता है ऐसे ही हमारा डो लग के तैयार है। ऐसे हम अपनी मिठाई से 3 लोई बनाएंगे। 1 लोई उठाते ऐसे हाथों के साथ अच्छे से चिकनी करके रोल करेंगे। आप इस मिठाई को किसी भी शेप में बना सकते हैं जो आपको देखने में खूबसूरत लगे। इस तरीके से हम रोल बना के तैयार करेंगे, आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से बनेंगे। नहीं हमको कोई बटर पेपर लगाना पड़ेगा, नहीं कोई सिल्वर फॉइल। इस तरीके से हम लोई उठाते रोल बना के तैयार करेंगे। मैंने इस तरीके से हाथों के साथ अच्छे से दबाते रोल किया, 3 रोल बना के मैंने तैयार किए। ऐसे हम एक ट्रे में रखेंगे, ऐसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 10 से 12 मिनट लगे हैं, हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई। ऐसे हम निकालेंगे। मैं गार्निश करने लगी हूँ सिल्वर वर्क से, आप किसी भी मनपसंद ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। ऐसे मैं कट करने लगी हूँ, पहले साइड कट करके हटाएंगे ताकि देखने में अच्छी लगे। मैं 1 से 1.5 इंच की दूरी पे कट करने लगी हूँ, आप अपनी मनपसंद से छोटा बड़ा काट सकते हैं। आप देख सकते हो मेरे कट करने से ही पता चलता है कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी, नहीं दांतों में चिपकेगी। आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त और कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, महंगी मिठाई को भी फेल करेगी जब एक बार इस तरीके से बनाओगे आप घर में बिल्कुल सस्ते में। कि मैं गार्निश करने लगी हूँ अपनी मिठाई को केसर से, आप मनपसंद ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी मिठाई को बना के 8 दिन तक भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बिना गैस जलाए पीनट रोल आप बिल्कुल सस्ते में बनाएं घर पे, आप देख सकते हो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आपको तोड़ के दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम, मुँह में जाते ही घुल जाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं।
आप एक बार बना के खाओगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। जिसको भी बना के खिलाओगे ये जरूर पूछेगा आखिर आपने कैसे बनाए। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी लेके आते रहेंगे।